तो दोस्तों आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम लोग और आज खाने वाले हैं छोले भटूरे। तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सबको और आज हम बहुत खुश हैं। आज हम जा रहे हैं इंडियन कल्चरल सेंटर, जिसे स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर भी कहते हैं, जो यहाँ साओ पाओलो में स्थित है। वहाँ पे इंडियन कॉन्सुलेट साओ पाओलो जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और हम भी जा रहे हैं उसमें भाग लेने। तो आज हम सब लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे आ गए, स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर है, साओ पाओलो में स्थित है। सेंट्रो कल्चराओ स्वामी विवेकानंद भी कहा जाता है इसको। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, सब लोग फोटोज निकाल रहे थे, एक गणेश जी की प्रतिमा भी थी यहाँ पे और काफ़ी उत्साहित थे सब लोग, सब मिलके आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे। ये देख सकते हो दोस्तों ताजमहल। तो दोस्तों हम लोग फ्लैग होस्टिंग के लिए बाहर जा रहे थे और आप देख सकते हैं इंडियन कॉन्सुलेट के सब लोग हैं यहाँ पे मौजूद और कुछ लिमिटेड लोग इंडियन कम्युनिटी के भी मौजूद थे। कोविड की वजह से बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं हो पाया। So we have a limited space, everyone will have to adjust, I'm sorry, and go against the current. Hello, good morning everyone, and happy Independence Day to all of you. We'll start today's event with the flag hoisting ceremony. Honorable Council General is here and I request him to kindly unfurl the national flag. So please. तो दोस्तों मैं बहुत खुश था, मैं पहली बार ब्राज़ील में, मैं पहली बार विदेश में अपने लोगों के साथ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा था। और एक बात मुझे बहुत बढ़िया लगी, सबके हाथ में आप देख सकते हैं पेपर है, ये जो पेपर था ये प्रेसिडेंट का नेशनल एड्रेस था जो 14 अगस्त को वो करते हैं ईव पे इंडिपेंडेंस डे की, तो वो उनकी स्पीच थी पूरी नेशनल एड्रेस और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। माई डियर फेलो सिटीजंस, नमस्कार। इट्स द मैटर ऑफ ग्रेट जॉय फॉर मी टू विश ऑल इंडियंस लिविंग इन इंडिया एंड अब्रॉड ए वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। दिस डे हैज ए स्पेशल सिग्निफिकेंस एज इट मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द 75th ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस फॉर विच आज़ादी का अमृत महोत्सव इज बीइंग सेलिब्रेटेड। My hearty congratulations to you all on this momentous occasion. Independence Day is a festival of freedom for us. This was made possible by generations of freedom fighters, some known, many unknown. They made great sacrifices, non-violence. He and all other national heroes provided us with the invaluable blueprint to not only liberate the nation from colonial rule, but also to rebuild it. Gandhiji's struggle was for a return to Indian ethos and for human dignity.
Now, as we look back to the 75-year journey of our republic, we have reasons to be proud of the considerable distance we have traveled. Gandhiji taught us that slow and steady steps in the right direction are preferable to the rapid strides in the wrong direction. तो दोस्तों अभी हम लोग जो है ऊपर जाएंगे, रिफ्रेशमेंट्स हैं और हमें एक और भाई मिले हैं। आपका क्या नाम है? रोहन नाम है। ओके, इनका नाम है रोहन। ये भी अभी साओ पाउलो शिफ्ट हुए हैं, न्यू दिल्ली से साओ पाउलो शिफ्ट हुए हैं, और इनके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे, इनके साथ भी ब्लॉग बनाएंगे। तो दोस्तों सेलिब्रेशन बहुत बढ़िया हुआ और जो डांसर्स थी ब्राज़ीलियन थी वो बहुत बढ़िया डांस किया उन्होंने, और जो वो सितार बजा रहे थे उनका नाम है फाबियो किदेश, और बहुत बढ़िया उन्होंने परफॉर्म किया। आप देख सकते हैं, हमें ऊपर जाने को कहा था, ऊपर यहाँ पे खाने पीने का प्रबंध था लंच का, और आप देख सकते हैं सब लोग मिल रहे थे, इंडियन कम्युनिटी के लोग थे और साथ में कॉन्सुलेट के भी पूरा स्टाफ था, और बहुत बढ़िया लगा सबसे मिलके। इतने दिन बाद मैंने सिर्फ हिंदी में बात की, मैंने पोर्तुगीज़ का एक लफ्ज़ भी नहीं बोला, तो ये चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगी। ये देख सकते हैं खाना बहुत टेस्टी था, छोले और भटूरे, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो दोस्तों आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम लोग, और आज खाने वाले हैं छोले भटूरे। तो दोस्तों लंच के बाद हो रहा था फ़ोटो सेशन यहाँ पे और आपने देखी होगी मैंने भी काफ़ी सारी फ़ोटो निकाली हैं, थैंक्स टू रोहन भाई, उन्होंने मेरी काफ़ी सारी फ़ोटोज़ निकाली, हम दोनों ने साथ में भी निकाली थी। फिर बाद में एक पूरे जितने कॉन्सुलेट का स्टाफ है उनका फैमिली मेंबर्स के साथ फ़ोटो सेशन हुआ था। ये फ़ोटोज़ जो हैं कॉन्सुलेट के पेज पे उपलब्ध हैं, आप फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज़ादी का अमृत महोत्सव लैटिन अमेरिका में, साओ पाउलो में, ब्राज़ील में, कमेंट करके बताइए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और मैं थोड़ा सा दुखी था ये जो अगस्त का महीना चालू हुआ था कि 75 साल हो गए हैं आज़ादी को और मैं भारत में नहीं हूँ, तो दुख था, लेकिन आज हमने भारत में ही मना लिया है, है ना, इंडियन कॉन्सुलेट में, इंडियन कम्युनिटी के साथ, कॉन्सुलेट के जो लोग हैं उनके साथ, बहुत अच्छा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।